आज की इस वीडियो में मैंने रिव्यू किया है पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, जिसमें मैंने कॉलेज में एडमिशन लेने के प्रोसेस, कॉलेज का कटअप, कॉलेज में आपको कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, कॉलेज में प्लेसमेंट कितना होता है, कॉलेज में फैकल्टीज़ कैसे हैं, इस तरह के सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में आगे मैंने शेयर किया है, जिससे कि आप अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं या आप फ्यूचर में इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद आपको इस कॉलेज की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी। तो वीडियो एंड तक वॉच करने के बाद अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ ही आप अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है बादल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल बिफोर ट्रिक्स। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए कॉलेज के बारे में साथ में जानते हैं। तो कॉलेज के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला बात ये आता है कि कॉलेज इस्टेब्लिश कब हुई है। तो कॉलेज सिंपली इस्टेब्लिश हुए 2017 से 18 के सेशन में। आगे हम बात करें कॉलेज की बिल्डिंग स्टेटस के बारे में, तो कॉलेज का बिल्डिंग स्टेटस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। साथ ही ऑनरशिप की हम बात करें तो ये कॉलेज आपको गवर्नमेंट ऑनरशिप प्रोवाइड करती है। आगे हम बात करें इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट की, तो इस कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.pcepurnia.org। आप सिंपली इसे गूगल में सर्च कर इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इस कॉलेज के एफिलिएशन के बारे में, तो ये कॉलेज अप्रूव्ड है ऑल इंडिया फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE से, साथ ही एफिलिएटेड है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी AKU पटना से। आगे हम बात करें तो रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट ऑफ बिहार से। तो अब बात आती है कि इस कॉलेज में आपको बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech के लिए कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं, साथ ही उनमें कितनी सीट आपको ऑफर की जाती है। तो इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे सिंपली 4 कोर्स को मेंशन करके रखा गया है, जिसमें पहला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दूसरा है सिविल इंजीनियरिंग, तीसरा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सबसे लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इस 4 कोर्स को इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन करके रखा गया है। अब हम बात करें कि इस चारों कोर्स में आपको कितनी कितनी सीट ऑफर की जाती है, तो इस चारों कोर्स में आपको 60-60 सीट ऑफर की जाती है। अब अगर हम बात करें तो इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को ऐड करने की बात हो रही है, जो कि 2021 से 22 के सेशन में इस कॉलेज में ऐड हो चुकी होगी या तो फिर ऐड होने वाली होगी। लेकिन इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को ऐड नहीं किया गया है, तो इसके ऊपर मैंने आपको इस वीडियो में अलग से इन्फॉर्म कर दिया। इस कॉलेज की ब्रांच को जानने के बाद अब बात आती है कि इस कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको JEE मेंस का एग्ज़ाम देना होगा, साथ ही साथ आपके एडमिशन को जो काउंसिल करेगी वो BCEC बोर्ड काउंसिल करेगी। आगे हम बात करें इस कॉलेज में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी को, तो आपको 12th में मिनिमम 45% मार्क्स कंपलसरी है इस कॉलेज में एडमिशन लेने को लेकर। साथ ही आप अगर SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% मार्क्स कंपलसरी है 12th में इस कॉलेज में एडमिशन लेने को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने को लेकर कटअप कितना जाता है। तो आपने अगर JEE मेंस में 65 से 70 परसेंटाइल के बीच में स्कोर किया होगा तो आपको इस कॉलेज में कोई ना कोई ब्रांच आराम से मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें कि इस कॉलेज में आपको कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो जो फैसिलिटी को मेंशन करके रखा गया है उसमें सबसे पहला है कंप्यूटर सेंट्रल, सेंट्रल लाइब्रेरी, हॉस्टल, स्पोर्ट फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, गेस्ट हाउस, जिम, बैंक, क्लब, वाईफाई और ऑनलाइन पेमेंट। आप चाहे तो इस कॉलेज में कोई भी पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम फ़ी को लेकर हो, सेमेस्टर फ़ी को लेकर हो या तो फिर हॉस्टल फ़ी को लेकर हो। आप कोई भी पेमेंट अगर इस कॉलेज में करना चाहते हैं तो आप वो पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस कॉलेज में जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है वो सारी फैसिलिटी आपको इस कॉलेज में प्रोवाइड की जाती है। अब अगर हम बात करें इस कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो इस कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें आपको एडमिशन फ़ी 2500 रुपया लगेगा। आगे हम बात करें रजिस्ट्रेशन फ़ी की, तो वो आपको 2100 रुपया वन टाइम पे करना होगा। साथ ही आगे बात है एग्ज़ाम फ़ी, जिसे आप यूनिवर्सिटी फ़ी भी बोलते हैं, वो आपको 3200 रुपया पर सेमेस्टर लगेगा। यहाँ आप अगर SC या ST से बिलोंग करते हैं तो वो आपको 700 ही पे करना होता है। आगे बात कर लेते हैं इस कॉलेज की हॉस्टल फ़ी की, तो वो आपको 6600 रुपये
पर सेमेस्टर पे करना होगा। इसके बाद बात आती है इस कॉलेज के मेस चार्ज की, तो वो आपको 2550 रुपये पर मंथली इस कॉलेज में पे करना होता है। फी स्ट्रक्चर को देखने के बाद अब बात आती है इस कॉलेज की हॉस्टल और उसकी कैपेसिटी के ऊपर बात करने का। तो इस कॉलेज में बॉयज़ के लिए 2 हॉस्टल बनाए गए हैं जिसकी कुल कैपेसिटी 400 है। आगे बात करें तो इस कॉलेज में गर्ल्स के लिए 1 हॉस्टल बनाए गए हैं जिसकी कुल कैपेसिटी 105 है। आगे हम बात करें तो इस कॉलेज में बॉयज़ को फर्स्ट सेमेस्टर में हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किया जाता है। फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल प्रोवाइड कर दिया जाएगा लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में आपको हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किया जाता है। साथ ही आप अगर गर्ल्स कैंडिडेट है तो आपको इस कॉलेज में 80-90% चांसेज है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही इस कॉलेज में हॉस्टल प्रोवाइड कर दिया जाए। तो अब बात आती है इस कॉलेज के प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में आपसे बात करने का। तो इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी कोई भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं किया गया है क्योंकि ये कॉलेज सिंपली इस्टेब्लिश हुई थी 2017 में। आगे इस कॉलेज का जो फर्स्ट बैच होगा वो 2021 के एंड में हो सकता है कि इस कॉलेज से निकले। तो अभी प्रेजेंट में इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं किया गया था। तो अब हम बात करें तो इस कॉलेज के तरफ से रिसर्च एंड इनोवेशन के ऊपर काम किया जा रहा है। अब आप में से कई को ये डाउट होगा कि ये रिसर्च एंड इनोवेशन क्या चीज़ होता है, तो मैं आपको बता दूं कि रिसर्च वो चीज़ हो गया जब हम कोई भी नई चीज़ों की खोज में जुड़ते हैं तो उसे रिसर्च कहते हैं। आगे बात करें इनोवेशन का, तो कोई भी पुराने चीज़ को उसमें कुछ नए एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड करके उसे पुराने से जब हम बेहतर बनाते हैं तो उसे हम लोग इनोवेशन कहते हैं। तो रिसर्च एंड इनोवेशन के ऊपर सिंपली इस कॉलेज के तरफ से काम किया जा रहा है। तो अब हम बात करें इस कॉलेज के लाइब्रेरी के बारे में। तो इस कॉलेज की लाइब्रेरी में आपको अपने किसी भी ब्रांच के रिगार्डिंग कोई भी बुक आसानी से अवेलेबल मिल जाएगी। आगे इस कॉलेज में गेट के रिगार्डिंग बुक अवेलेबल मिलेगी या नहीं मिलेगी इसके ऊपर मुझे जानकारी नहीं है, मगर मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि इस कॉलेज में आपको अपने ब्रांच के रिगार्डिंग सारी बुक आसानी से अवेलेबल मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें इस कॉलेज के फैकल्टी के बारे में, तो इस कॉलेज में काफ़ी सारे नए फैकल्टीज़ आए हैं क्योंकि ये कॉलेज खुद ही नया है। तो इस कॉलेज में काफ़ी सारे नए फैकल्टीज़ हैं और सारे फैकल्टीज़ BPSC और साथ ही साथ यहाँ के सारे प्रोफेसर MTech क्वालिफाइड आपको मिलेंगे। तो अब हम बात करें कि इस कॉलेज में आपको कम्प्लीट 4th ईयर में पूरे अपने BTech प्रोग्रामिंग को कम्प्लीट करने में कुल कितने का खर्च आएगा, तो वो आपको 36-38 हज़ार रुपये के बीच में आएगा। आगे हम बात करें इस कॉलेज की हॉस्टल चार्ज और उसमें इंक्लूड करें मेस को, तो वो आपको 35-40 हज़ार रुपये पर ईयर इस कॉलेज का खर्च पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी इस कॉलेज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आगे मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की कि मैं इस कॉलेज के बारे में क्या सोचता हूँ। तो अगर आपको इस कॉलेज में कोई भी ब्रांच मिल रहा हो तो आप आसानी से ले सकते हैं क्योंकि ये कॉलेज की कैंपस एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। आगे मैं बात करूँ तो ये कॉलेज आपको मेन मार्केट में स्थित मिलेगा। इसके बाद मैं बात करूँ तो ये कॉलेज आपको बिहार के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजों में एक मिलता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर ही कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस कॉलेज के बारे में और कुछ जानना हो तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कॉमेंट का रिप्लाई ज़रूर से करूँगा।